get anything for nothing. कुछ भी ना के बदले में कुछ आपको इस दुनिया में हासिल नहीं होता. You can't get anything for nothing. इस डायलॉग का सीधा सीधा मतलब यह है कि अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ खोना पड़ेगा. You can't get anything for nothing. कुछ भी ना के बदले में कुछ आपको नहीं मिलेगा. दोस्तों, आई एम नीरज शर्मा एंड टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट फ्यूचर. आज मैं बात करने वाला हूं फ्यूचर की बातों को अंग्रेजी में हमें कैसे बताना है. सबसे पहली बात, फ्यूचर क्या है? आज का दिन टुडे, जो दिन आएगा उसे हम कहते हैं टुमारो. अब से एक घंटे बाद, आधे घंटे बाद, 10 मिनट बाद या 20 मिनट बाद जो काम हम करेंगे दैट विल बी इन फ्यूचर, वो भविष्य में ही होगा. हमने बहुत दिन पहले जो सिस्टम पढ़ा था वो था कि भाई विल और एक वर्ड बना शैल, जिन्हें बोलकर हम फ्यूचर की बात बताते हैं कि मैं काम को करूंगा. आई के साथ में पहले शैल आता था और वी या कुछ ऐसा ही सिस्टम था, लेकिन लैंग्वेज में अब बहुत सारी चीजें बिल्कुल सिनेरियो चेंज हो चुका है. अब लैंग्वेज में क्या होता है कि अब फ्यूचर में कोई भी काम आप करेंगे, आपने अभी डिसीजन ले लिया कि कल मुझे मार्केट जाना है, हमें हिंदी में ये नहीं सोचना कि गागी गे वाला सिस्टम है. गागी गे वाला सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है. यहां दिल से इंग्लिश बोलती है, मन से इंग्लिश बोलती है, सोच के इंग्लिश बोलती है. इंग्लिश को आपको ऐसा नहीं बोलना होता कि भाई अपने दिमाग में हिंदी पहले उतार ली फिर उसकी इंग्लिश उतार ली, ऐसे इंग्लिश नहीं बोलेगी. इंग्लिश बोलेगी सोच सोच के, आपके मन में कौन सी बात चल रही है, दिल में आपके क्या है. तो आपने प्लान कर लिया कि मैं किसी काम को फ्यूचर में करूंगा, अभी सडन आपने प्लान किए, तो इस बात को बताने के लिए आपको विल का सहारा लेना है, WILL. पहले शैल का भी सहारा लोग लेते थे लेकिन अब वो चीजें खत्म है. मैं अभी वीडियो के जैसे ही वीडियो आगे चलती है तो आई जस्ट टॉक अबाउट दैट, मैं उसके बारे में बात करूंगा. आई विल प्लस कोई भी काम आप लगा लीजिए जो आप बताना चाहते हैं सामने वाले से कि मैं इस वाले काम को करूंगा. आपने कहा I will work hard क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं मेहनत करूंगा. I will work hard और पैसा कमाऊंगा. I will earn the money, पैसा कमाऊंगा. EARN, earn the money, मैं पैसा कमाऊंगा. I will earn the money. I may और will और plus उसके बाद में जो भी आप action लगाना चाहते हैं, I may plus will और will के बाद जो भी आप action लगाना चाहते हैं वो आप action लगा दीजिए आराम से, कोई भी टेंशन नहीं है. जाऊंगा, I will go. आऊंगा, I will come. स्टडी करूंगा, I will study. डांस करूंगा, I will dance. कोई भी काम will सभी के साथ में इक्वल होता है. वो करेगा he will, मैं करूंगा I will, वो करेगी she will. मेरे 10 दोस्त हैं वो करेंगे. My 10 friends will plus कोई भी action. That's completely easy. My friends will come. मेरे दोस्त यहां आएंगे. My friends will काम, कौन सा काम करेंगे, आने वाला. तो माय फ्रेंड्स फ्यूचर में विल और फिर कोई भी काम लगा दीजिए. माय फ्रेंड्स विल कम, मैं जाऊंगा. आई विल गो. स्टडी, आई विल स्टडी. वर्क हार्ड, आई विल वर्क हार्ड. मीट यू, आपसे मिलना. आई विल मीट यू टुमारो, मैं कल आपसे मिलूंगा. अब फ्यूचर में विल के जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे, मींस फ्यूचर वाले जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे, वो सारे क्वेश्चंस आपको हर इंसान के बारे में विल से ही बनाने. विल यू कम, विल यू कम, आपको सामने वाले से पूछना है कि भाई वो आने वाले काम को करेगा नहीं करेगा. तो मैंने आपसे पूछा विल यू कम, क्या पाएंगे. विल यू वर्क हार्ड, क्या आप मेहनत करेंगे. जी बिल्कुल, आई विल वर्क हार्ड. आई विल नॉट वर्क हार्ड, मैं मेहनत नहीं करूंगा. आई विल नॉट वर्क हार्ड बिकॉज माई ब्रदर विल वर्क हार्ड, मेरा दोस्त मेहनत करेगा. आई विल नॉट स्पीक हिंदी, मैं हिंदी नहीं बोलूंगा बिकॉज माई ब्रदर विल स्पीक हिंदी. ऐसे तमाम सारे वर्ड है. टुडे आई हैव फीवर, आज मुझे बुखार है, मैं डॉक्टर से मिलूंगा. आई विल सी द डॉक्टर. वैसे डॉक्टर को शॉर्ट में डॉक, DOC डॉक भी बोलते हैं. तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा. आई विल सी द डॉक, मैं डॉक्टर साहब से मिलूंगा. आज मेरे घर में कोई भी नहीं है तो मैं दूध लेके आऊंगा. आई विल फैच मिल्क, FETCH, फैच. आई विल फैच मिल्क. एक्सक्यूज मी, विल यू फैच मिल्क. हाँ, आई विल फैच मिल्क, क्योंकि घर पे तो कोई भी नहीं है. आई विल फैच मिल्क. आज मेरा भाई फ्री है, वो मेरे पास आएगा. ही विल कम टू मी, ही विल कम टू मी. मोदी भाषण देगा. मोदी विल डिलीवर द स्पीच. मोदी विल डिलीवर द स्पीच. कोई भी व्यक्ति काम को फ्यूचर में करेगा तो आपको उस व्यक्ति के साथ में विल लगाना है
और जो काम है वो वाला काम आपको लगा देना। दैट इज एक्सट्रीमली इजी, बहुत ज्यादा इजी है, बहुत लंबा चौड़ा। बस मन, असली बात है कि आपको हिंदी में नहीं सोचना कि वो आएगा, अच्छा वो आएगा बाद में, आएगा। यू डू नॉट हैव टू थिंक लाइक दिस। आपको सोचना है कि कोई भी इंसान फ्यूचर में किसी भी काम को करेगा, बस वो लगाओ, वो इंसान लगाओ, फिर विल लगाओ, और फिर वो वाला काम लगा दीजिए। हिल कम, हिल गो, हिल स्टडी, हिल वर्क हार्ड, हिल मीट यू, हिल नॉट मीट यू, ही विल नॉट मीट यू। और विल नॉट को भी शॉर्ट में इंग्लिश में कहते हैं वॉन्ट, सो ही वॉन्ट मीट यू। विलंट बिल्कुल नहीं बोलना आप लोगों को दोस्तों, विल इज डेफिनेटली इजी। अब हम बात करते हैं शैल के बारे में। पहले लोग इंग्लिश में फ्यूचर की बात बताने के लिए शैल का यूज कर लेते थे, लेकिन अब शैल का यूज लोग ज्यादातर करते हैं मशवरा टाइप लेने में। जैसे मैं आपसे बोलूं शैल आई कम, क्या मैं आ जाऊं, शैल आई गो, क्या मैं चला जाऊं, शैल आई मीट यू, क्या मैं आपसे मिल लूं, एक्सक्यूज मी आई हैव अ कॉल, शैल आई रिसीव, क्या मैं उठा लूं, शैल आई रिसीव द कॉल, चलो चलें, शैल वी गो, शैल वी गो, शैल वी गो, मींस आप शैल बोलकर सामने वाले से एक टाइप से मशवरा ले रहे हैं कि भाई क्या हम इस वाले काम को कर लें, चले क्या, शैल वी गो, आ जाए, शैल वी कम, बैठ जाए, शैल वी सिट। तो इंग्लिश बोलने में फ्यूचर की कोई भी बात आप बताना चाहते हैं तो आपको सिंपली विल का सहारा लेना है, और आप बहुत सारी बातें इस विल के साथ बता सकते हैं। जैसे आपने अपने घर पे बोल दिया कि आई विल कम लेट, मैं लेट आऊंगा, आई विल कम लेट टूडे बिकॉज, क्योंकि I will go to my college, मैं अपने college जाऊंगा। तो ऐसी बहुत सारी बातें आप दिल से कीजिएगा। Thank you very much.